तो हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग अपना सिस्टम सब सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे गूगल पे हम लोग आ गए हैं, तो एल के यू नब डालते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की जो भी यूजी की अपडेट्स चलने लग रही हैं, ठीक है, आज काफ़ी सारे कोर्सेज की लास्ट डेट है। आज 3 अगस्त हो गया है। तो जो सेकंड अलॉटमेंट आप लोगों के आए थे, कुछ कोर्सेज के थर्ड अलॉटमेंट भी आए थे, तो उनका यहाँ पे चलने लग रहा है। तो उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे, यहाँ पे पॉपअप आप लोगों के सामने आ जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही पॉपअप आ जाएगा, आप लोगों को बताता हूँ। ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, ये हॉस्टल वाला मैंने बता ही दिया है। प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग देख लेना, हॉस्टल वगैरह का प्रीवियस या आगे वीडियो आ रहा होगा, ठीक है, तो वो आप देख लेना। ये हॉस्टल का मैनेजमेंट का पोर्टल है, हॉस्टल डिटेल्स, और यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये मैनेजमेंट पोर्टल का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चलने लग रहा है। ये यहाँ पर हॉस्टल की डिटेल दी गई है, लाइक कितने हॉस्टल्स हैं मेन कैंपस में और कितने हैं आप लोगों के ओल्ड कैंपस में। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं ऑलरेडी, सेकंड कैंपस में, फर्स्ट कैंपस में। और ये वेबसाइट को पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ओपन होके आ गया। कल जो मैंने बताया था MBA MTTM इंटरव्यू एडमिट कार्ड का, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मार्क्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं एडिट, वो भी एडिट कर सकते हैं। अब यूजी का हम लोगों को देखना है, तो यूजी नोटिस में जाके हम लोग देखेंगे। और जिन लोगों का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है, वो यहाँ से अपना फीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यूजी की अभी आंसर की नहीं आई है कोई भी। ठीक है, और एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मंडे से, तो ये अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है फिलहाल में। ये आप लोगों का हॉस्टल का पोर्टल है, जो मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ अभी ये देखिए रजिस्ट्रेशन क्लोज लिख के आ रहा है, जब आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर खुल जाएगा, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आप फिर लॉगिन भी कर सकते हो उसी से। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों का सीट अलॉटमेंट देखिए, वीवॉक, LLB इंटीग्रेटेड और डी फार्मा और BSc का यहाँ पे आया था नोटिस। तो ये नोटिस आया था आप लोगों का कि सेकंड अलॉटमेंट का रिलीज कर दिया गया है, और इनकी फीस आप लोगों को 3 तारीख को सबमिट करनी है। जो जो इनके कोर्सेज के हैं, LLB इंटीग्रेटेड, डी फार्मा, BSc बायोलॉजी और वीवो रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आप 12 बजे तक आप लोग फीस सबमिट जरूर से कर दें 3 तारीख को। ठीक है, इसके अलावा एक और अलॉटमेंट आया था यहाँ पे, इसकी तो आई थिंक एक्सपायर हो गई होगी। इसका था BCA, BBA का और BCOM का, BCOM NEP का। ठीक है, तो इसकी डेट भी आज ही है। ठीक है, 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आज कर सकते हो। जो भी BCA, BBA और BCOM, ये मतलब काफ़ी मेजर कोर्सेस हैं यूजी के, तो इनमें की भी अलॉटमेंट की लास्ट डेट है। तो मैंने क्या सोचा, एक बार आप लोगों को रिमाइंडर दिला दूं। तो जब आप यहां से बैक जाओगे, तो बैक में ही आप लोगों को पॉपअप दिख जाएगा, वहां से फिर आप कर सकते हो अपना जो भी आप लोगों को प्रोसीड करना है। नीचे ही आप लोगों को ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो ये अभी आए थे, और ये PG की अभी आंसर की वगैरह नहीं आई है कोई भी। ठीक है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल में यही अपडेट है आप लोगों का। ये आप लोगों की वेबसाइट है, और हॉस्टल वगैरह का मैंने बता ही दिया है। और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है,